मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस रेसिपी को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पंचमेल दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पांच तरह की दाल ली है। आधा कटोरी मैंने धुली हुई उड़द की दाल ली है, आधा कटोरी मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, और साथ ही आधा कटोरी मूंग की छिलके वाली दाल ली है, आधा कटोरी मैंने मूंग की धुली हुई दाल ली है, और ठीक आधा कटोरी ही मैंने यहाँ पर अरहर की दाल ली है, जिसे कि हम तुअर की दाल कहते हैं। तो इस पंचमेल दाल में मैंने पांचों दाल को मिलाया है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा ये न्यूट्रिशियस दाल हमारी बनने वाली है। सभी दाल के जो पोषक तत्व हैं वो हमें इस खाने में मिलने वाले हैं। तो कभी कभी दोस्तों, आप भी इस तरह से पंचमेल दाल को ज़रूर बनाएं। पाँचों दालें इसमें मिक्स हैं। तो सबसे पहले दाल को मैं खूब अच्छी तरह से दो बार साफ पानी से धो लूंगी। आप देख रहे हैं पानी का रंग बिल्कुल ही बदल गया है, गंदा सा हो गया है पानी का रंग। तो इस पानी को आप पहले फेंक दें और फिर से आप साफ पानी डालें। दो बार हम दाल को धो लेंगे, ताकि आपने देखा होगा दाल में थोड़ा सा पाउडर सा लगा रहता है, तो इसे दो से तीन बार धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके ऊपर जो पाउडर लगा है वो अच्छी तरह से निकल जाए और हमें नुकसान न करे। अब इस दाल को हम पानी में भिगाकर 10 मिनट तक रखेंगे। तो पानी डालने के बाद एक हरी मिर्ची डाल दी है, चार से पाँच मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, जिसे पतला पतला लंबा लंबा काट कर मैं इस दाल में डाल रही हूँ। दाल के उबलते समय ही हम ये चीज़ें डाल रहे हैं। एक बड़े चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच से कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। तो नमक, हल्दी, मिर्ची, लहसुन, और साथ ही दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर। टमाटर को भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं और दाल के उबलते समय ही डाल देते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, दाल में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। ज़्यादातर हम टमाटर को तेल में फ्राई करके डालते हैं, परंतु एक दो बार आप इस तरह से दाल को उबालते समय ही टमाटर डाल दें, आप देखेंगे दाल में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो बस इस दाल को अब मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी 10 मिनट तक के, ताकि सभी दालें पानी में अच्छी तरह से सोख हो जाएं और फिर इसे पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इससे हमारे समय की भी बचत होगी, गैस की भी बचत होगी। तो अब आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। दाल को मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है दोस्तों, और साथ ही इसमें डाला है एक चम्मच देसी घी। घी डालने से दाल का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इससे जो दाल है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा चने की दाल, जैसे कई लोग बोलते हैं बादी करती है, तो दाल बादी नहीं करती, अरहर की दाल का भी बादीपन ख़त्म हो जाता है। और मैंने साथ ही मिला दी है इसमें 1/4 टीस्पून हींग। हींग डालने से भी दाल का जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाता है। और अब इसमें मैं एक बड़े टुकड़े डाल रही हूँ दालचीनी के, और दो काली मिर्च डाल दी है। कुछ खड़े मसाले डालकर जब हम दाल को उबालते हैं दोस्तों, तो दाल में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इन खड़े मसालों का। तो बस पूरी तीन सीटी बजा ली है। उसके बाद तीन सीटी होने के बाद की शूटिंग है। पांचों दालें जो हमने मिक्स करके उबाली है दोस्तों, खूब अच्छी तरह से ये पक चुकी हैं, और बढ़िया अब हम इसके बघार की तैयारी करते हैं। यदि दाल बहुत गाढ़ी लग रही है तो इसमें आप आधा कप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि चावल के साथ तो थोड़ी सी पतली दाल ही अच्छी लगती है। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने दो चम्मच घी डाला है। हमेशा दाल को घी में ही बघारें, आप देखेंगे दाल में और भी बढ़िया स्वाद आता है। तो बस जैसे ही घी गर्म हुआ, मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच राई, और एक चम्मच हम डालेंगे इसमें जीरा। दो तेज पत्ते डाल दिए हैं, ताकि घी में अच्छे सुनहरे हो जाएं, तो दाल में और भी बढ़िया खुशबू आएगी। एक खड़ी लाल मिर्च डाल दी है, ताकि दाल दिखने में भी सुंदर लगे। वैसे ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और बस अब हम इसमें उबली हुई दाल को डाल देंगे। ज़्यादा हमने मसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि हमने इस दाल को बॉईल करते समय ही लहसुन, टमाटर सब चीज़ें डाल दी थी। अब आप देख सकते हैं कि जो दाल है उसमें मैंने आधा कप और पानी डाला है, क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी लग रही थी। कम से कम 10 से 12 मिनट मैंने इसे स्लो फ्लेम पर उबाल लिया है। दाल में बढ़िया अच्छी रंगत आ चुकी है।
और बस ये गर्मा गर्म हमारी पंचमेल दाल बनकर तैयार है। सर्व करते समय आप इसमें आधा नींबू का रस जरूर डालें, कुछ ना कुछ खटाई डालना बहुत ज़रूरी है। नींबू के रस में वैसे भी विटामिन सी होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमेशा खटाई में नींबू का ही इस्तेमाल करें। दाल में नींबू की खटाई बहुत ही अच्छी लगती है। आधी छोटी चम्मच मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला डाला है और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारी गर्मा गर्म पंचमेल दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, इसे जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।